नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर अगर आपको काफी ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, ऐसे में जो आप जोर से एक वेबकैम की सर्च कर रहे होंगे। वीडियो में जो है मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं ज़िब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला एक बहुत अच्छा जो है वेबकैम, आप बोल सकते हैं बेस्ट बजट वेबकैम है। इसकी जो अनबॉक्सिंग करेंगे साथ साथ क्विक रिव्यू करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा आपको इसको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, शुरू करते हैं। ओके गाइस, हियर इज अ बॉक्स ऑफ आवर वेबकैम। आप देख सकते हो इधर जो आपको एक्चुअल इमेज देखने को मिलती है वेबकैम के, नीचे की तरफ को स्पेसिफिक मेंशन। अगर मैं बात करता हूं ऑन बॉक्स प्राइस की तो यहां पे जो है 1299 रुपीस लिखी हुई है, बट एक्चुअली इतने का नहीं है। एंड यहां पे इस वेबकैम में जो है बहुत सारे फीचर्स भी आते हैं, इसको मैं फिलहाल अनबॉक्स कर लेता हूं। अगर मैं बात करता हूं बॉक्स कंपोनेंट्स की तो गाइस यहां पे आपको ये सिर्फ उसे बबल रैपिंग में देखने मिलता है, उसके अलावा आपको बॉक्स में कुछ भी नहीं देखने मिलता। आप देख सकते हो यहां पे जो है इस तरीके से वेबकैम आता है, ब्लैक एंड सिल्वर कलर की जो है फिनिश के साथ। आपको फ्रंट में दो एलईडी देखने मिलते हैं जिसको आप पीछे वाले स्विच से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, जो मुझे काफी ज्यादा ओके लगी। इसके बारे में आगे एक चीज बताऊंगा, जरूर से वीडियो में बने रहना। नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो है माइक्रोफोन के लिए जो है वेंट देखने को मिलता है। बैक साइड में बात करता हूं तो इधर जो आपको एक क्लिप की क्वालिटी काफी ज्यादा सही है, नीचे की तरफ आपको रबर देखने को मिलती है कि आपका जो है यहाँ पे मॉनिटर को प्रॉब्लम ना आए। एंड ये जो है बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है एंड बहुत ज्यादा लाइट वेट है। अराउंड इसका वेट मुझे लग रहा है सिर्फ 50-60 ग्राम के बीच में। मैं इसकी वायर क्वालिटी की बात करता हूं तो गाइस यहां पे जो है वायर क्वालिटी काफी ज्यादा सही है। एंड यहां पे आपको डायरेक्टली यूएसबी इंटरफेस देखने को मिलता है, डायरेक्टली आपको इसको इनपुट करना है अपने पीसी लैपटॉप। एंड यहां पे जो आप इसको यूज कर पाएंगे, आपको कोई भी फालतू के ड्राइवर सॉफ्टवेयर अपडेट कुछ भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप देखोगे बॉक्स में आपको नाइट विजन लिखा देखने को मिलता है, बट एक्चुअली इसका नाइट विजन जो है यहाँ पे ये एलईडीज है। यस गाइस, यहाँ पे आपको दो एलईडी देखने को मिलते हैं नाइट विजन के नाम पे। एंड ये जो है मुझे बहुत ज्यादा अजीब बात लगी, ये चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप सोचो इसमें नाइट विजन है, रात में आपको ग्रीन या फिर रेड कलर का या फिर इंफ्रारेड निकलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ी सी कम क्वालिटी देखने को मिलती है एंड लाइटिंग में अगर आप इसको यूज करेंगे तो ओके ओके जो आपको क्वालिटी दे देता है। लाल मैं इसको जो है सेटअप करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इसको यूज करना है। तो अपने पीसी की तरफ एंड यहाँ पे जो मैंने इसको डायरेक्टली यूएसबी इंटरफेस के थ्रू जो है इनपुट कर लिया है। एंड आप देखोगे नीचे मेरे को पॉपअप भी आया था। एंड यहाँ पे जो है आपको सिंपल से इसको इस तरीके से मॉनिटर पे अटैच कर लेना है। एंड मैंने जो है मेरे मॉनिटर के साथ एक प्रॉब्लम आई थी, मैं मिडिल में अटैच कर रहा था तो मेरे डिस्प्ले पे ये टच कर रहा था ये वाला पार्ट। एंड ये जो है एक तरीके से इसको डैमेज भी कर सकता था, बट मैंने यहाँ पे इसको लेफ्ट या फिर राइट साइड जो है यूज करूंगा तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कितने ईजिली जो है लग जाता है एंड बहुत अच्छी आपको ये पिक्चर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी निकाल के देते हैं। अगली वीडियो जो है इसका सैंपल आ रही है। ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है इस वेबकैम से, आप इसके ऑडियो और वीडियो को जो है जस्टिफाई कर सकते हो। इस रूम में जो है बहुत ज्यादा अच्छी लाइटिंग भी नहीं है एंड यहाँ पे जो है फैन और एसी भी चल रहा है, तो आप उस हिसाब से जो है इसकी ऑडियो देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैं बताऊँ तो आप जो है इसमें जब आप इसका नाइट विजन यानी कि एलईडी या फिर लाइट विजन ऑन करेंगे तो उससे जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ भाई, अगर आप एकदम नाइट में यूज कर एकदम डार्क में तो जो है इफेक्ट जोर से करता है। दोस्तों ये है कुछ ज़िब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला वेबकैम, होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। होप दोस्तों आप सभी को इसकी अनबॉक्सिंग काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। अब हम बात करते हैं इस वेबकैम के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो गाइस यहाँ पे जो है पूरी बिल्ट जो प्लास्टिक की है, आप कह सकते हो बहुत डिसेंट क्वालिटी प्लास्टिक है, बहुत प्रीमियम भी नहीं है, बहुत ज्यादा चीप भी नहीं है। ऑब्वियसली यार वेबकैम से आपको कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आप इसको जो है हर टाइम लेके या ट्रैवल करोगे या फिर लेके घूमोगे। यहाँ पे आप जो है एकदम इसको स्टडी रखना है, एकदम एक जगह स्टैंड कर देना है एंड यहाँ पे जो है काम करता रहेगा, तो इसलिए जो आपको काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ वायर क्वालिटी एंड लेंथ जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी आपको 1.3 मीटर की जो है वायर लेंथ देखने मिल जाती है एंड वायर क्वालिटी भी जो है मुझे अच्छी लगी। मैं बात करता हूँ कैमरा क्वालिटी के बारे में। कैमरा आपको 480 पिक्सल की जो है वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के देगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आज के टाइम पे स्मार्टफोन में 4K रिकॉर्डिंग आ रही है, जो यहाँ पे वेबकैम क्वालिटी की बात करो तो वो जो है सिर्फ 480 पिक्सल। तो भाई मैं एक चीज बताता हूँ, वेबकैम कभी भी जो है इतनी बड़ी स्क्रीन या फिर आप बोल सकते हो फुल स्क्रीन के लिए जो है लोग यूज नहीं करते हैं। अगर आप मीटिंग्स भी अटेंड करो तो आपकी जो है इमेज बहुत ज्यादा छोटी छोटी दिखाई देती है काफी सारे जो है विंडो में। एंड यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ गेमिंग स्ट्रीमिंग की तो आप जो है ऑब्वियसली पूरी स्क्रीन पे अपनी ये वाली इमेज नहीं रखते होंगे, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप गेमिंग कर रहे हो या फिर आप नॉर्मली अगर अटेंड करो मीटिंग तो ऑब्वियसली आपकी जो है साइड में छोटी सी इमेज रहती होगी, इस तरीके से आप पूरी इमेज नहीं करते हैं। बात करता हूँ इसके माउंट की तो गाइस यहाँ पे जो आपको काफी अच्छा माउंट देखने मिलता है, इसमें आपको रबराइज मटेरियल देखने मिलता है नीचे की तरफ। अपने डिस्प्ले की बात करता हूँ, मॉनिटर में जो एक प्रॉब्लम आई थी, मिडल ऑफ द मॉनिटर में जो है स्क्रीन पे टच कर रहा था जिससे जो है मेरे को डिस्प्ले में जो है कुछ इशू हो सकता था। लेकिन भाई लेफ्ट राइट साइड यूज करा, आप भी जो है ये ट्रिक अपना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट या फिर राइट साइड रखोगे तो ये जो आपका काफी अच्छे से माउंट हो जाएगा, बहुत अच्छी जो है वीडियो क्वालिटी निकाल के देगा। दोस्तों इन दैट हम बात करते हैं कि आपको इसको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं इसकी जो है प्राइस अमेज़न पे 550 से जो है 599 रुपीज के बीच में वेरी करती रहती है। मैंने इसको जो है इतने की परचेज करा है एंड अगर आपको इस प्राइस में आपको देखने मिलता है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा है, मैं आपको बोलूंगा अगर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप जो है लॉजिटेक के वेबकैम की तरफ
जा सकते हो, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जो है दोनों में से कोई भी परचेज कर सकते हो। ऑब्वियसली ये तो इससे स्लाइटली महंगा है, 1-1.5 हज़ार रुपए, तो आप जो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने इसको सिंपल से इसलिए परचेज करा, मैं चाहता हूँ भाई सिर्फ उसे मेरी वीडियो दिख जाए, क्यों भाई मेरे को थोड़ा सा काम है और बाकी मेरे को इससे ऐसा कुछ भी इतना बड़ा काम नहीं है। तो आप लोग बताना कैसे लगी वीडियो का मेरे सेक्शन में। इतना था वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जो सकना, शेयर जो सकना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ऐसी वीडियो जो आप चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलता हूँ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।